Dear students, today we will discuss about geothermal energy. Geothermal means has two components, two words, geo and thermal. Geo means earth and thermal means heat. That means the heat inside the earth. जैसा कि हमें पता है कि जो ज़मीन होती है, अर्थ है, उसके अंदर बहुत हीट अवेलेबल होती है और ये टेम्परेचर अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अवेलेबल होती है जो कि ज़मीन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है. अब इस हीट को एक्सट्रैक्ट करके हमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ में लिया जा सकता है. जैसा कि अगर हम बात करें कि इसी हीट को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें अर्थ के अंदर से, तो इसी हीट से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और इसी हीट से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इस हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये जो है वो सर्दियों में हीट के लिए यूज़ किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम इस हीट को यूज़ कर सकते हैं. ज़मीन के अंदर जो अर्थ के नीचे है अगर हम देखें तो ये जो हीट अवेलेबल होती है वो मैग्मा जो अर्थ क्रस्ट के नीचे है उसके फॉर्म में होती है और उसकी वजह से जो इनसाइड अर्थ के इनसाइड में बहुत सारे जो रॉक्स हैं वो बहुत हीटेड होते हैं, बहुत हीट अवेलेबल है. तो उसी हीट को हमें यूज़ करना है और उसी को एक्सट्रैक्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है. यू कैन सी एंड यू नो दैट द अर्थ रेडियस इज़ अराउंड 6400 and it has 3-4 components. First is crust, which is around 30 km 7 km under ocean, and after that 20 to 65 km under the continent. After that it has mantle, which is around 2900 km, and finally core has a temperature around 4000-5000 degrees centigrade, which is at the center of the earth. This huge amount is available inside the earth, which we will utilize for electricity generation. You can see here there are two figures here. This is the figure. You can see the outer area, outer shell has a crust, after that it has mantle, and finally the core. If you talk about the temperature and the depth in kilometer, you can see the radius is around 6400 kilometer starting from here to here, and the temperature also rises from normal temperature, environment temperature, to around 5000 degrees centigrade. अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले जो जियो थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हुआ वो 1904 में हुआ. एक साइंटिस्ट हैं प्रिंस प्योरी गिनोरी, इन्होंने एक टेस्ट किया और उससे इन्होंने 4 लाइट बल्ब जलाए, जिसके बाद में जो 1911 में वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल जियोथर्मल पावर स्टेशन वाज बिल्ट देयर. सम फैक्ट्स अबाउट जियोथर्मल. एज ऑल ऑफ वी नो दैट जियोथर्मल पावर प्लांट इज अ रिन्यूएबल सोर्स. दिस इज द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सब्जेक्ट एंड इट इज द वन कंपोनेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट जियोथर्मल. व्हाई दिस इज रिन्यूएबल? बिकॉज द its sources is the almost unlimited amount of heat generated by the earth's core. यानी कि जितना भी अर्थ के कोर में हीट अवेलेबल है उसके कंपेरिजन में जितना हमने यूटिलाइज किया वो बहुत कम है. यानी कि हमारे पास अभी भी प्लेंटी अमाउंट अवेलेबल है इनसाइड द अर्थ कोर. नेक्स्ट एडवांटेज और फैक्ट जियोथर्मल का ये कि इसके अंदर बहुत कम इमिशंस होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेशन के लिए भी. अगर हम बात करें कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट की तो उसमें बहुत ज़्यादा कोल को बर्न करने के बाद जब हीट निकलती है और उसके बाद में ऐश और पोल्यूशन होता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है. बट जियोथर्मल इमिट्स ओनली लो इमिशंस. अगर हम फ्यूल की बात करें तो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है. It requires no fuel. While thermal power plant requires coal, nuclear burns uranium, and so on. But geothermal power plants doesn't require any fuel. That's why it is immune to fuel cost fluctuation. India is planning
first geothermal power facility in Chhattisgarh. And if you talk about worldwide installed capacity, it is around 10,715 megawatt, out of which United States has 3,086 megawatt installed geothermal power sources. This is the complete electricity production all over the world. You can see here the United States alone, US alone, supplies 28.7% out of total geothermal electricity production. After that, Philippines, it is around 21% of total production. After that, Mexico, Indonesia, and so on. You can see here all countries are generating. Our India is also planning the first geothermal power plant. What are the reservoirs? Reservoir means the area from where we can collect the energy resources. You can see the geothermal reservoirs here. See, we can suspect three geysers, boiling mud point, volcano, hot springs. If we see the volcano here, a hot springs here, and mud point here, that means यहाँ पे इसके नीचे available है, heat available. Reservoir means जमीन अर्थ के नीचे वो हिस्सा जहाँ पे हमारे पास हीट अवेलेबल है, उसको जियोथर्मल रिजर्वायर्स कहते हैं. कहाँ कहाँ पे जियोथर्मल अवेलेबल है? एक टर्म है हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज. हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज मीन्स जमीन पे अर्थ के ऊपर जो वाटर, हॉट वाटर के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है, उसको हम हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज कहते हैं. एंड जियोथर्मल रिसोर्सेज मीन्स इनसाइड द अर्थ जो रॉक्स के फॉर्म में या मैग्मा के फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है. और जियोथर्मल एनर्जी कैन बी टैप ऑलमोस्ट एनीवेयर विद जियोथर्मल हीट पंप्स एंड डायरेक्ट यूज एप्लीकेशन. वील बी लेटर नो डेट वी हैव 3 and 4 एप्लीकेशंस, मीन्स डायरेक्ट यूज, इनडायरेक्ट यूज एंड जियोथर्मल हीट पंप्स. दे आर सर्टेन ways where we can utilize this type of energy. As the water rises to the surface, natural hot springs and geysers occur. जैसे जैसे surface water earth surface की तरफ rise होगा, तो वहाँ पे hot springs हमें available होंगे. अगर हमें ये पता करना है कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे ज़मीन के अंदर वो available है resources, तो उसके लिए हमें we have to test the soil and we have to analyze the underground temperature. Then we can judge inside. At this point, we have the geothermal reservoirs. This is the India map, and we can see in MP and Himalayas, we have the potential where we can generate and we can install the geothermal power plants. This is the India scenario. Geothermal provinces are estimated to produce 10,600 megawatt. Means हमारे पास इतनी energy available है कि हम 10,600 megawatt power generate कर सकते हैं. But experts का कहना यह है कि हम उसमें से 100 megawatt तो कर ही देंगे. And हमारे पास जो geothermal provinces हैं, means जहाँ पे हमारे पास scope है power generate करने का, वो हिमालयाज, सोहाना, वेस्ट एंड नर्मदा, तापी, गोदावरी एक्सेट्रा, जहाँ जहाँ पे हम पावर, ये जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑपरेशनल कॉमर्शियल जियोथर्मल पावर प्लांट इज लाइकली टू कम अप इन आंध्र प्रदेश विद अ कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट बाई जियो सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड. नाउ हाउ वी एक्सट्रैक्ट द हीट इन फ्रॉम इनसाइड द अर्थ एंड हाउ वी यूटिलाइज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, we know that we have the heat inside the earth, and we have to collect that heat and use this. To collect and to extract that heat, we have 2-3 ways. First is directly from hot springs. Second is we have geothermal heat pumps, and the third one is indirect use. That is the most important thing. It is electricity generation. First is direct use. Direct use means we collect and extract the heat and use directly.
means we will not convert it in another form, just receive and use. Then these uses are, first is geothermal heat pumps will be discussed later, and space heating. Suppose अगर हमारे यहाँ ठंडा इलाका है तो उस ठंडे में स्पेस को हीट करने के लिए उस हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं. ग्रीन हाउस हीटिंग, एग्रीकल्चर पॉन्डरी, एग्रीकल्चर ड्राइंग, इंडस्ट्रियल यूजेस, बाथिंग एंड स्विमिंग, कूलिंग एक्सेट्रा. यानी कि जो भी हीट अंदर ज़मीन के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसका टेम्परेचर अराउंड 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उस टेम्परेचर पे हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट में. जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ किया, सर्दियों में ठंडे पानी को गर्म करने के लिए यूज़ किया, रूम हीटर की तरह से यूज़ कर लिया, एक्वाकल्चर के लिए पॉन्ड में यूज़ कर लिया, तो इस तरह से हम इस हीट को यूज़ कर सकते हैं. सी, दिस इज़ द विंटर सीजन डायग्राम, दिस इज़ द समर. ये अर्थ के नीचे कुछ हीट अवेलेबल होती है, जैसे कि आपको पता है जैसे अर्थ से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो पर किलोमीटर इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो कुछ टेम्परेचर इसका यहाँ पे होता है. जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो सर्दियों में ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम, मींस 4, 5, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का भी अगर 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड अवेलेबल है तो हम अपने यहाँ से कोल्ड वाटर को इनलेट करेंगे, और उसके बाद में जो यहाँ की जो अंदर की रॉक्स के अंदर हीट अवेलेबल है उसको हम यूज़ करके ठंडे पानी को कन्वर्ट करेंगे गर्म में, और फिर इसको पंप कर लेंगे दोबारा से, और ये विंटर सीजन में इस गर्म पानी के ज़रिए से हम अपने यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, समर. समर के अंदर कैसे करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से जब हम नीचे चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, बट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो समर में एनवायरनमेंट टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में हमारे पास हॉट वाटर है, वार्म वाटर अवेलेबल है. अब हम वार्म वाटर को जब हम नीचे पंप नीचे देंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग है कोल्ड से, पहले कोल्ड होता है धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम शुरू में ही उस पानी को लेकर के और हम उस ठंड को यूज़ करेंगे. मीन्स समर में हम उसकी ठंड यूज़ करके कोल्ड वाटर कलेक्ट करेंगे, और विंटर